Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। ये वे अंतिम बार बैठेंगे क्योंकि चार के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलोच कम हो। माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं। जो लोग अपनी हार से पस्त होकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके बहकावे में ना आए, मतदान करें उज्जवल भविष्य के लिए। उज्जवल भारत, आत्मनिर्भर भारत में ही हम सबका भविष्य है, युवाओं का, अन्नदाता किसानों का, महिलाओं का, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का। और मोदी जी ने तो चार जातियां देश के अंदर कही, उन्होंने कहा देश के अंदर केवल चार ही जाति है, उसमें से एक युवा है, एक महिला है, एक गरीब है, एक अन्नदाता है। इन चार वर्ग को प्रतिनिधित्व करने के लिए मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्य किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन उनको अपना पूरा आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। आईएनटीआई जो अलायंस है आज वो एक रिव्यू मीटिंग कर रहा है, रिजल्ट्स आने से पहले ही आज पूरे दल बैठेंगे और साझा बातचीत। ये वे अंतिम बार बैठेंगे क्योंकि चार के बाद ये जितने दल हैं उतने उसमें फाड़ होने वाले हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे। अच्छा है उससे पहले एक बार ठंडाई पी लें जिससे गाली गलोच कम हो। महाराज जी, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि वोटर जो है सतर्क रहे, सतर्क रहे, धांधली का आरोप लगाया। देखिए, दोषारोपण किसी पे तो करना ही है। जिनको प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए वोट जो है कैंडिडेट नहीं मिले, तो आज किसी पे तो लगाना था। ईवीएम पे वो, यानी ईवीएम पे दोषारोपण करते करते थक चुके हैं, अब वह इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरे यही प्रदेश है, लोकतंत्र का ऐसा माहौल मत उड़ाओ, यही प्रदेश है। कौन नहीं जानता है कि इनका लोकतंत्र में कोई निष्ठा नहीं है। ये हल्ला बोल के माध्यम से अराजकता पैदा करने वाले लोग हैं। माफिया सरगनाओं को, राजक तत्वों को और आतंकवादियों को अपने गले का हार बनाने वाले लोग हैं और ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। बड़ी हास्यास्पद बातें होती है। चुनाव निष्पक्ष हैं, भारत निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ इलेक्शन करवा रहा है और इलेक्शन पूरी व्यवस्था भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर चल रही है, प्रदेश में भी चल रही है। भारत निर्वाचन आयोग जहां पे कहीं भी कोई शिकायत मिलती है त्वरित एक्शन लेकर के कार्रवाई भी करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की चूंकि लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा इन्होंने अपमान किया है। दुर्दांत माफिया और आतंकवादियों को सागृद वाले लोग इनसे लोकतंत्र की बात, इनके मुंह से ईमानदारी की बात, इनके मुंह से कोई कार्य सुचितापूर्ण तरीके से हो जाए, ये बहुत हास्यास्पद लगती है। और इसलिए जैसी करनी वैसी भरनी।